थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच चाचा। गाइस ये है यहाँ की वाइन शॉप। पीटना होता है ना, पीटना होता है, प्रॉपर पीटना होता है भाई, सारे पीट दो इसको। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और सो के बिना मुंह धोए वापस बाहर आ चुके हैं और डिस्कशन हो रहा है कि अब क्या करें, मॉस्को में कहाँ जाएं। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा प्लेसेस कवर नहीं करे हैं, लेकिन अभी भी यही चल रहा है कि अब कहाँ जाना चाहिए। भाई कहाँ, क्या प्लान है? अब कुछ प्लान नहीं है, कृष्णा भाई को पता है ड्रीम लैंड है, कोई वहाँ चलेंगे, वेल वगैरह का शो होता है, वेल को टच कर सकते हैं और वहाँ पे चलते हैं। कृष्णा भाई कहाँ पे जाना है? ड्रीम आइलैंड चाय बन करके आगे टी शर्ट में बाहर आना पड़ा है। हाँ यार भाई इसमें आ रखे हैं, ये आउटफिट ऑफ द डे अभी ये चल रहा है लाइफ में। और ठंड यहाँ है 2-3 डिग्री बाहर में। सुबह से बारिश हो रही थी और देखो यार क्या सिस्टम है भाई, सब कुछ एकदम ड्राई ड्राई हो गया, पूरी रात बारिश हो रही थी यहाँ पे, ऐसा लग ही नहीं रहा यहाँ पे बारिश हुई है ना भाई। बिल्कुल लगे बस धुलाई करी गई है। सब सिस्टमेटिक है यार यहाँ पे। अभी 4 या 5 बजने वाले हैं, अभी हम लंच के लिए वापस उसी रेस्टोरेंट पे आए हैं, जिसका करके कुछ नाम है, और यहाँ से भाई अपने इंडियन है, मतलब इंडियन क्या है, हिंदी समझते हैं, तो ये हेल्प कर रहे हैं हमारी ऑर्डर देने में। फिर से हम यहाँ पे दोबारा आ गए, जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे बेस्ट खाना मिलता है। कृष्णा भाई क्या प्रोग्राम है अब? यार आज शॉपिंग के लिए जाना है। शॉपिंग करनी है? क्या करना है भाई शॉपिंग में? शॉपिंग नहीं करी तो तोड़ दी जाएगी मेरी। अच्छा ये भी सीन है क्या? टूटने तो भाई तो क्या, कोई शॉपिंग नहीं करेगी, कोई शॉपिंग नहीं करेगी भाई। अगर शॉपिंग करनी है तो यार पहले घर वालों के लिए करो, अपने लोगों के लिए करो, हमारे लिए करो, जो हम दो भाई आए हैं हमारे लिए करनी चाहिए। मतलब अगर हम बोल दें कि भाई तोड़ दें हम तुम्हारी, तो तुम हमारे लिए शॉपिंग कर लोगे? ये ना पता है लौंडो, हमारे इंडिया में लौंडे ना यही फंसे पड़े हैं, मतलब जिस दिन ये इस भूगोल से निकल के बाहर आ गए ना, तो इन्हें इस धरती का एक असली मतलब पता चलेगा। बट चलो छोड़ो यार, हम क्या कर सकते हैं, भाई को अपनी जोड़ के रखनी है, तोड़ के रखनी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। बाकी नितिन भाई ने ये बात सही बोली कि टूटने दो, टूटने दो भाई, कोई चक्कर नहीं। चलो एक शर्त है भाई, जो लोग ना भाई 3 लोग जो लोग 3 लोग फिर जाएंगे, कोई तो कुछ भी नहीं, जो लेना पड़ेगा 3 लेना। कैसे फुक रहे लौंडों के साथ आ गया मैं? भाई फुक रहे तभी तो रही आए ना भाई। कृष्णा भाई इतने रईस आदमी है, हम छोटे मोटे बंदों के साथ आए। इनकी भाई की स्टेटमेंट नहीं समझ आई मुझे। कृष्णा भाई हम छोटे मोटे बंदों के साथ आए, बहुत बड़ी बात है। ओ भाई ये तो सिर्फ भगवान की मर्जी है, जो हमें ऐसा अवसर मिला, मौका मिला के इतने बड़े और जो भाई ने क्लब में धमाल मचा रखा है ना भाई, हर क्लब में कृष्णा भाई अलग रहता है, हर क्लब में कृष्णा भाई बांसुरी बज रही है अलग लेवल पे भाई। मेरे को सेंसर कर दो। सेंसर नहीं होगा भाई, तुम मैं आए नहीं रशिया में, वो तो व्लॉग बताएंगे आप कहाँ थे। वाइफ को आपका देख रहा, मिनी सूना बना दे, मिनी कूपर बन जाओगे। अभी तो तुम भले ही रेंज रोवर हो या फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो तुम, मिनी कूपर, तुम्हारा मिनी कूपर बना देंगे। ये भाई डलेगा ब्रो, ये सबसे एपिक है। और भाई अभी यहाँ पे एक्चुअली ये जो जगह है ना, ये नोटिस कर लो, यही खाना खाना है, रशी में आओ और कहीं मत खाना खाओ, पैसे खर्च कर लो। इंडिक्सिया जी, पीटर्सबर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे बढ़िया है, बाकी मॉस्को में है थोड़ा सा लफड़ा है। Us find our way back in it.
in the end miss these trying times all always try. So guys, अभी हम आए हैं टेरानोवा मार्केट, जो यहाँ की लोकल मार्केट है और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, काफी फेमस मार्केट है और यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो रखा है। तो गाइज ये है टेरानोवा मार्केट जो कि रेड स्क्वायर के बिल्कुल अपोजिट है, अभी जाके पता चला हमें। और ये हमारे दिल्ली की है पालिका बाजार वाली मार्केट। और चलते हैं मार्केट में, देखते क्या है। कॉपीराइट आने वाला है वैसे तो गाने बजने। भाई ने शॉपिंग करी है, ये यूनाइज का ब्रांड लिया। भाई ब्रांड दिखाना, ये बहुत ही क्लासी ब्रांड है यार, बट हमारी चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल नहीं है तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही चीज़ ली, वो भी भाई ने। हम 24/7 पे आए हैं और यहाँ पे ये 59 रूबल्स की है और हर जगह पानी है 250 का। तो ये बॉटल वाटल लेने आए हुए थे, ये स्टोर पे आधा समझ ही नहीं आता क्या लेना है क्या नहीं लेना। इनको भाई को जितने भाई को कन्फ्यूजन नहीं हो रही है, इतनी सस्ती कैसे मिल रही है। तभी तो सस्ती है, मेरे को फिनाइल ना हो भाई। फिनाइल विनाइल ना हो। Excuse me, is this water? Yep. Are you sure this is water? हाँ, उसने पूछने गई है भाई वहाँ पे। Okay, okay. She wants us to follow her, so we are following her. कहाँ पूछना है ये देखते हैं। यार ये तो ढाई, देखो मैं कह रहा था ना पानी कितना महंगा है, 260 रुपए का, 250 रुपए, 139 रुपए की ये पानी की बोतल है यार। और ये पता नहीं क्या है, मेरे को उससे पूछने दो। पे केक देखो यार कितने जबरदस्त है, तीरामिसू देखो, ये तो वैसे मेरा फेवरेट है। ये देखो यार क्या लें समझ ही नहीं आ रहा। रेड वेलवेट केक लिया है और यहाँ से ये वेजिटेरियन है वो वेजिटेरियन है, दो ले लेते हैं। छू ओके गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और गाइज ये है हमारे कृष्णा की जैकेट, उसमें स्टार्स की कमी है बस, जब भी लग जाएंगी। जैकेट को बड़ा सामान मिलता है, पूरे 10 दिन हमने यही पहनी है और इसको हम ऐसे ही रखते हैं ताकि कुछ खराब ना हो। तो भाई अभी बस चेकआउट कर रहे हैं, आज हमारा लास्ट डे था और 12:20-25 हो चुके हैं आज। भाई बाकी एयरपोर्ट पे करेंगे बातें, है ना। 2 लाख को आग लगा के जा रहे हैं। हाँ, बहुत अयाशी करी है। हाँ, मजा आ गया। और अब यहाँ से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका है, 6:30 की फ्लाइट है यहाँ से। तो बस पहले लंच करते हैं, वही इंडीज का तोपका। अरे यार ये भी चीज है हमारे पास, है ना वीजा। तो मेरा दिया था ना, मैं तो अपने अपने डॉक्यूमेंट सही हूँ, फ्लाइट है मेरी तो मैं बना के दिया था मैंने ऐसे, कहाँ गया। चलो एयरपोर्ट पे देखेंगे, खाना खाएंगे तो। खाना खाते हैं, चलो निकलते हैं यार पहले और चेकआउट करते हैं। ये हमारा हॉस्टल है, बहुत ही अमेजिंग है। विंटर क्या नाम था इसका, विंटरफेल। किसी को आना हो तो भाई यहाँ पे रुकना, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज है। ये रहा मेरा वीज़ा। यस चलो यार, टैक्सी का हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं टैक्सी कितनी देर में आई। कृष्णा भाई लगे हुए हैं अभी इंक्वायरी करने में टैक्सी की। और ये इसका विंटर फ्री का होटल का, बिल्कुल आप समझ लो एक क्लोज वाला होटल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि मॉस्को में आपने कहाँ रुकना है। इसके पास में ही है विंटर फ्री, ये टैक्सी नहीं आता। सो टैक्सी आ गई होटल के बाहर, अब यहाँ से निकलते हैं लंच के लिए। ब्रंच के लिए आज पहली बार 12 बजे के आसपास खाना। भाई क्या बियर है भाई, फुल ऑन है अभी भी। लेट्स गो। फिर से उसी रेस्टोरेंट पे लंच कर रहे हैं और इनको ना पता चल चुका है कि ये 3 बंदे आएंगे, इनको यही खाना है और बाद में एक्स्ट्रा प्याज चाहिए इनको।
और थोड़ा बहुत समझने लग जाते हैं। और यार हेलो आई करते हैं तो फिर अपने वाली फीलिंग आ गई है। हाँ कल मैंने आपको बताना भूल गया कि कल यार कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने स्वीट दिया हमें, डेजर्ट दिया, और जो कि क्या बताऊँ मैं उसे ना एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। वो इतना ज़बरदस्त था कि समझाना मुश्किल है। बहुत बढ़िया चीज़ थी वो। और यहाँ से बस लंच करते हैं फिर एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं एंड थोड़े से बूज वूज लेके निकलेंगे यार, क्योंकि लंबी फ़्लाइट है तो मुझे लगता है कि वो ज़रूरी है। राइट, कैसे 6 घंटे की फ़्लाइट है, कैसे कटेंगे रास्ते? हमारे तो कट जाते हैं रास्ते, ये रास्ते काटते हैं, ये सबके रास्ते सबको ही काट रहे हैं। ये भाई सबसे स्ट्रॉन्ग बंदा है हमारे ग्रुप का, तो हम तीनों में से इस भाई ने जो मजे करे रशिया में वो किसी ने नहीं करे। भाई एक बात पे भरोसा मत करना, भाई दो बंदे मेजोरिटी में हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे यार। अब क्या करें भाई का, अगली बार लाएंगे भाई। इस भाई का करना क्या, ये भाई सब कुछ कर चुका। अगली बार नहीं लाएंगे भाई। ये तो हमारा भी कर देता है, पत्ता काट देता है ब्रो। सो चलते हैं यार, लंच करते हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, और टर्मिनल सी से हमारी फ़्लाइट है। ये मॉस्को का एयरपोर्ट है और यहाँ से हमने लेफ़्ट जाना है, फिर यूं जाके क्रॉस करके वहाँ पहुँचना है। कृष्णा भाई रेडी है, नितिन भाई रेडी हैं, अब हमें दाल चावल घर के खाने की याद आ रही है। बस घर पहुँचे और भाई दाल चावल मिल जाए, बस 10 दिन में ताली, घर वालों से मिलें, खाना वाना खाएँ, काम धंधे भी करें और फोकस करें चीज़ों पर। यार कितना सही एयरपोर्ट बना रखा है ये देखो, क्या ही एयरपोर्ट है भाई, ज़बरदस्त एयरपोर्ट भाई। तीनों फोटो लेते हैं? हाँ फोटो लेते हैं, पहले बैगेज आगे दे देते हैं। यार देखना वॉच, देखना इतना सॉर्टेड लिखा हुआ है यार, कन्फ्यूज़न ही नहीं है कहाँ जाना है, कौन से नंबर पे जाना है। अभी खुला नहीं है, खुला नहीं है ये 407 इनका। ये ड्यूटी फ्री देखो कितना ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत बना देगा, सो अमेजिंग, देख के मज़ा आ रहा है। ये भाई ये वॉट का देखना, ये सही है, यहाँ पे प्राइसेस सही है। कौन सी है ये? सर्बियन, 45 रुपये की। साइबेरियन है ना ये, वो वाली वॉट का गायन की, मेरे को ब्लू का देखनी है, वो सबसे बेस्ट और सही होगी। गाइस अभी हमने लॉन्च में एक्सेस लिया है और थैंक्स टू नितिन भाई, 3 बंदों का वैसे 13,500 रुपये एक्सेस अमाउंट था, जहाँ पे कोई कार्ड नहीं चलता लेकिन फ्री किया भाई की वजह से। और ये देखो यार ये रहा लॉन्च, नाम ये है पढ़ लेना यार, हमें तो पता नहीं। सो फाइनली हमने हमारा लंच तो कर ही लिया था, उसके बाद अभी हम लॉन्च में थोड़ा सा बियर और ये डेजर्ट ट्राई करते हैं, और भाई भी कुछ लेके आया है, टोमेटोज, पोटैटोज और ये और पोरी और राइस विद वेजिटेबल्स। भाई की ये आज पार्टी है। दिस इज फंगजो सैलेड विद वेजिटेबल्स, दिस इज सैंडविच, डेजर्ट, और भाई का चिकन है, भाई नॉनवेज खाता है, हम ब्राह्मण लोग हैं हम नहीं खाते। और ये रहा भाई लॉन्च, पूरा सक्सी लॉन्च। ये ट्रिप हमारी यहाँ पे एंड हो रही है और भाई एक दूसरे को मिस भी करेंगे, क्योंकि ये 11 दिन थे जो कि बहुत अमेजिंग थे, बहुत यादगार थे और बहुत ही मस्ती भरे थे। और यहाँ से हम एयरपोर्ट पहुँच के भाइयों को गुड बाय करेंगे, मतलब सारे एक दूसरे को बाय करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई फिर कोई प्लान ऐसा करें हम जहाँ पर दोबारा मिले। बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। इस ट्रिप से पहले मिले भी नहीं थे, एयरपोर्ट जाते टाइम गाड़ी में मिले, और मतलब ये भाईचारा है कि जो मन करे कर लो। सही है, और थैंक्स भाई एवरीवन, जितने भी लोग हमारे रशिया में मिले, चाहे वो आसिफ भाई हो, विवेक भाई हो, खासा भाई हो और देव भाई हो, पूरा तिवेर का ग्रुप भाई, जितना भी तिवेर का ग्रुप था भाई, उनको भी थैंक्स है, नितिन भाई को भी थैंक्स है, कृष्णा को भी थैंक्स है, क्योंकि प्लान भाई की वजह से बना। ये है भाई इस मतलब इस ट्रिप का जो मेन रूट है ना, यही चल रहे थे और भाई इन्होंने ही सब कुछ अरेंज किया था। हाँ ये ज़रूर है कि
लैंग्वेज बैरियर थोड़ा सा रहता है, लेकिन भाई इनके साथ आके ना ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ भाई की वजह से। और थैंक्स टू कैप्चर ट्रिप ऑल्सो, क्योंकि भाई कैप्चर ट्रिप नहीं होता तो भाई हम नहीं होते, हम दोनों नहीं होते, हम मिले ही नहीं होते भाई। और गाइज अगर ट्रिप ट्रैवल करना है ना तो कैप्चर ट्रिप पे जाना और वहाँ पे भाई जाके अपनी ट्रिप बनवाएं, आइटनरी प्लान करवाएं और जाएं, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। और मुझे जो मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि भाई की वजह से, इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी मुझे लगती है जहाँ पे मज़ा आता है। मैंने जब ट्रिप करते कम से कम 8 से 10 ट्रिप किए हुए हैं कैप्चर ट्रिप से, जब इनको नहीं जानता था उस टाइम से शुरू किया हुआ है ट्रिप करने के बाद से इनको जाना, और उसके बाद से तो कोई गिनती नहीं है कितनी ट्रिप करी है मैंने कैप्चर ट्रिप से, और एक भी ट्रिप ख़राब नहीं हुई है मेरी। और ट्रिप का बजट हमारा भाई मैंने बताई है कि 2-20 कुछ ऐसे, तो 7.5-7.6-7 लाख रुपए टोटल हमारे भाई। वो तो रशिया है यार, आप जाओगे तो आपको इतना लगेगा, आप लेके चलोगे आपको 1.5 लाख के करीब लगेगा विद फ्लाइट। ओके विद फ्लाइट, हां विद फ्लाइट। यार ये तो बड़ा सस्ता दे रहे हो यार आप। नहीं इनके लिए थोड़ा अलग है, हमने जो आयाशी इस लेवल पे करी है वो नेक्स्ट लेवल होगी, वो लोगों के अपने एक्सपेंसेस अलग होंगे। मैं एक चीज और बता देता हूं, आयाशी का मतलब ये है कि हमने पार्टीज करी है, ऐसा नहीं लड़की बाजी करी है, ये क्लियर बता दो कल को ये हो गया भाई। आयाशी का मैं दिल्ली में भी हॉट स्टार्स में जाओगे तो यार वहां पे तो रेट अलग होते हैं बिल्कुल। और एक्चुअली हम आयाशी मींस के हम हर चीज ना एक्सपेंसिव पिक कर रहे थे, कि हम किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, हमें ये खाना है तो खाना है, तो वो हमें इस हिसाब से पड़ा। बाकी यहाँ की बेस्ट चीज़ कौन सी है वही ये मांगते थे हमेशा, हाँ जो भी बेस्ट है हमें वो चाहिए। ड्रिंक करनी है तो मतलब महंगी से महंगी दारू, हाँ ये यहाँ का मतलब एक कह रहे हो रूल ही है, अगर आप आओगे ना देन यू हैव टू ड्रिंक, तभी आपको मज़ा आएगा, तभी यू विल गेट वाइब, गुड वाइब हेयर के, फिर तो बात ही अलग है, और इनको शब्दों में ब्याह करना अलग है। सो यहाँ पर हम ट्रिप को बाय बाय कर रहे हैं, थैंक यू for watching this video and the vlog is end here, jo hamare 11 din ke trip the, subscribe kare bilkul bhai, aur bhai capture trip ko Nitin bhai ko Krishna bhai ko follow kar lena, main har jagah mention kar raha hu, instagram pe hi karna hai, instagram pe follow kar lena, aur milte hain kisi naye trip mein nayi baaton ke sath, nayi cheezon ke sath, naye kisi desh ke sath, ya ho sakta hai nayi kisi india ki jagah ke sath bhi, kuch bhi ho sakta hai, you never know, bye bye।